सेंटर प्रस्तुत करते हैं शांति समय। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका शांति समय में स्वागत करती हूँ। आइए कुछ वक्त प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना में बिताए गीतों के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और वाणी पर गंभीर स्वर से गाना भला है। परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसके
उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठा। हे जाति जाति के सब लोग, प्रभु की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, उसकी आराधना करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। अब रेवरेंड सुनील मंतोड़े हमसे प्रभु यीशु के वचन के द्वारा बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति समय में आपका स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ आज का ये समय आपके लिए शांति का और उसके संगत में चलने का होगा, कि जो सत्संग हम कर रहे हैं ये सत्य का सत्संग है। यीशु मसीह आया है जीवन देने के लिए और सच्चा मार्ग दिखाने के लिए आए हैं, और हम सीख रहे हैं किस तरह से जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, यीशु को उद्धार करके अपने जीवन में पाया है, मसीहा जानकर उसके पीछे चल रहे हैं, किस तरह से हमारा जीवन एक विजय से दूसरे विजय की ओर जा सकता है, कैसे हम विजय जीवन बिता सकते हैं। हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति विजय का जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके संतान के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए पराजय की योजना बनाई नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है, और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम हर दिन विजय का जीवन जी सकते हैं और किस तरह हमारा जीवन लोगों के लिए आश्चर्य कारण बन सकता है, किस तरह से हम एक हर दिन दैवी चंगाई में चल सकते हैं, दैवी पुरोठा में चल सकते हैं, दैवी सुरक्षा में चल सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना की हम जो भी करेंगे उसमें परमेश्वर की महिमा हो और हमारा जीवन आशीषित बने। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बीमार रहें। जो आज बीमार है इसी समय आपके लिए प्रार्थना मैं करने वाला हूँ। जो आप मुश्किल के अंदर है, जो तनाव के अंदर है, कि आपके जो तनाव जो है मुश्किलें टूट जाएंगी, कि जो आप इस वचन को ग्रहण करने के द्वारा, उसके ऊपर अमल करने के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। और हम यही चाहते हैं कि प्रभु यीशु का सूली के ऊपर का जो बलिदान है, हमने उसके सामर्थ के बारे में आज तक सुना है, और हमने आपको बताया किस तरह से कि शैतान ने यीशु को मारने की कोशिश की, क्योंकि वो अनजान था यीशु का मृत्यु जो है उसको बर्बाद करने वाला है। यीशु का सूली के ऊपर जान देने के द्वारा शैतान की मानव जाति के ऊपर अधिकार टूट जाएगा, इसके बारे में अनजान था। इसलिए प्रभु यीशु का सूली के ऊपर का मर जाना, यीशु जो है सूली के ऊपर मर गया, उसको गाड़ा गया और फिर से मुर्दे में से जी उठा, इस विश्वास के द्वारा हम अपने पापों का तौबा करने के द्वारा प्रभु यीशु ने जो हमें माफ़ी दी, प्रभु यीशु ने जो हमें क्षमा दी, उसका अनुभव करके हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान जो है हमें डराने की कोशिश करता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से यीशु का जो सूली के ऊपर का बलिदान है वो हमारे लिए सामर्थ्य है, उसको हमें इस्तेमाल करना है और उसके द्वारा शैतान के सारे डर को भगाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से हम जो है वो उस डर के ऊपर विजय पा सकते हैं। जैसे अफ्रीका में बताया गया है कि जब वहां बड़े बड़े जंगल हैं, उस जंगल में बहुत सारे सिंह और वाघ होते हैं, और वो किस तरह से शिकार करते हैं। जैसे जो जवान बाघ और सिंह होते हैं वो चाहते किस तरह से हम जानवरों को पकड़ सकते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं वो हमेशा उस सिंह के बांस को जानते हैं और उसको आवाज़ को जानते हैं। जैसे वो उनको सिंह का बांस लग जाता है, वो डर और उसका जो आवाज़ आता है उसके वजह से वो भाग जाते हैं और डर जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिंह जो है, वाघ जो है, वो योजना बनाते हैं किस तरह से हमें इस जानवर को अपने जाल में फंसाना है। और क्या करते हैं, जैसे जो बूढ़े हुए जो सिंह हैं उनके दांत गिर चुके हैं, वो अपने शिकार को पकड़ नहीं सकते, तो क्या करते हैं, उस हवा के दिशा में वो चले जाते हैं, उनका जो बांस आता है वो बांस जानवर सूंघ लेते हैं। लेकिन उसके विरुद्ध में जो जवान जो सिंह और वाघ होते हैं क्या करते हैं, उस हवा के विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बूढ़े जो सिंह है उसका बांस हवा के द्वारा उस जानवर की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे सिंह अपना आवाज़ करने लगेगा तो वो उस आवाज़ को, उस आवाज़ के डर को सुनकर वो
भागने लगेंगे और जहाँ भागेंगे वहाँ पे जवान सिंह होंगे, उनके शिकार बन जाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या हो जाता है, वो बूढ़े सिंह जो है उस हवा के बाजू में खड़े हो जाते हैं और उनका बांस जो है उसके बांस और उनके आवाज़ के वजह से जानवर डर जाते हैं कि वहाँ पे क्या है, सिंह है, हमें खा जाएगा। लेकिन वो उस आवाज़ की ओर न जाते हुए भागते हुए उस जवान बाघ है वहाँ पे जाते हैं और उनकी शिकार बन जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है, बाइबल कहता है कि शैतान जो है एक सिंह के समान आवाज़ देता है, गर्जना करता है और हम लोग डर जाते हैं। जब हम डर जाते हैं तो हम उस आवाज़ के डर को सुनकर हम लोग भागते हैं और वहाँ पे जो शैतान का जो चाल है उसे हम पहुँच जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पे हम यह करना है कि जो आवाज़ आ रही है, जो डर शैतान हमारे जीवन में लाने की कोशिश है, उसका सामना करना है। प्रभु का वचन कहता है यकूब 4 में कि शैतान का सामना करो, वो भागेगा। ये जो जानवर है उस आवाज़ की ओर भागेंगे तो बच जाएंगे। तो वहाँ पे हो जाता है, जब जब आवाज़ आने लगता है, कुछ जानवर जो है आवाज़ की तरफ भाग जाते हैं वो बच जाते हैं, जो उस आवाज़ के विरुद्ध भागते हैं वो जवान सिंह के चाल में फंस जाते हैं, शिकार बन जाते हैं, मर जाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के लोग होने के नाते शैतान हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हम सब बहुत सारे बात हम आवाज़ सुनेंगे, बहुत सारे आवाज़ हमें आएगी कि हमारे जीवन में मुसीबत आने वाले हैं, हमारा हम पराजित होने वाले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके आवाज़ को हमें सामना करना है, उसको उसके सामने जाना है और जब हम उसके सामने जाएंगे तो जो शैतान पराजित है वो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सामना करो तो तुम विजय पाओगे और शैतान भाग जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जो है हमें उस जो शैतान की जो चाले हैं, जो आवाज़ सुनाई दे रहे हैं उसका सामना करना है, हमें डरना नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान जो है हमारे जीवन में, दूसरी बात जो है, एक फंसाने का जो बीज होता है हमारे जीवन में डाल देता है, हमारे जीवन में विचार डाल देता है, हमारे जीवन में वासना डाल देता है, हमारे जीवन में शक डाल देता है, हमारे जीवन में दूसरे के विरुद्ध में घृणा और द्वेष और कटुता और हमारे जीवन में सारी मलिनता हमारे जीवन डाल देता है। तो हम लोग उसका ग्रहण करने के द्वारा हम एक डरे हुए व्यक्ति बन जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस डराव का सामना करना है, उस डर के सामने खड़ा रहना है ताकि हम विजय पा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम विश्वास करते हैं, शैतान ने जो हमारे मन में विचार डाले हैं, जो फंसाने का बीज हमारे जीवन में डालना है, उसके द्वारा हम हमारे जीवन में उस बीज को एक मजबूत होने के लिए मौका देते हैं और उसका शक का बड़ा पौधा बन जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विचारों के बीज शैतान हमारे जीवन में डालता है, शक का, वासना का, डर का, आज्ञा भंगता का और क्रोध का और घमंड का और अपने आप को कोसने का, जो विचार आता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बल निर्बल हूँ, मैं मेरे जीवन में कुछ किया नहीं और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसे विचार शैतान हमारे जीवन में बीज के समान बो देता है और उसका पौधा पड़ जाता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान की उस आवाज़ को हमें सामना करना है, हमें डरना नहीं, उस डर के ऊपर हमें विजय पाना है। मैं आपको इसे बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के वचन के द्वारा जो विश्वास है, विश्वास हम खड़े रहेंगे तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमें यह जानना है कि यीशु मसीह एक इंसान होने की, एक मानव जाति के संतान होने के नाते, स्त्री के संतान होने के नाते उसने उस परीक्षा के ऊपर विजय पाया। उसी तरह से जैसे यीशु ने परीक्षा पर विजय पाया, उसी तरह से हम विश्वास के द्वारा हर परीक्षा के ऊपर विजय पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने परमेश्वर का संतान होने के नाते शैतान का सामना नहीं किया, एक स्त्री के संतान होने के नाते शैतान का सामना किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पहली बात है कि हमें विश्वास में खड़ा रहना है कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए योजना बनाई, विजय की योजना है, और उस वचन के द्वारा हम आपके साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि आप शैतान का सामना करने द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ दो बातें आपको करना है, किस तरह से हम विश्वास में खड़े रह सकते थे। पहली बात जो है कि बाइबल जो है वो परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार है। जो अधिकार आदम ने खोया था वो यीशु ने उसके वचन के द्वारा वो अधिकार हमें दिया। बाइबल जो है उस बाइबल का अधिकार हमें इस्तेमाल करना है, यानी बाइबल को पढ़ना है, उस वचन को हमारे जीवन में लेना है उस अधिकार, क्योंकि परमेश्वर का वचन यीशु जो है वो परमेश्वर शब्द है, परमेश्वर के शब्द जो है बाइबल है। जो हम परमेश्वर वचन को हम ग्रहण करते हैं और हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो शैतान जो है इस वचनों को डरता है,
उस वचन के सुनने के द्वारा वो भाग सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी बात जो है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है उस सामर्थ्य के द्वारा हम विश्वास में, हम वहाँ एक ही जगह पे विश्वास में खड़े रहकर शैतान का सामना कर सकते हैं। तो पहली बात जो है कि हमें विश्वास में खड़ा रहना है, इसलिए हमें दो बातें करना है कि परमेश्वर के वचन का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल करना है, और दूसरी बात जो है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन में है उसका हमें इस्तेमाल करना है। कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है, मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ, प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया है कि हम यीशु के साक्षी बन सकते हैं, किस तरह से हम यीशु के गवाही बन सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अधिकार परमेश्वर ने जो दिया है, क्योंकि प्रभु वचन कहता है कि यीशु का अधिकार जो है उस अधिकार के सामने शैतान और उसके सारे भूत जो है वो घुटना टेकेंगे। क्योंकि प्रभु वचन कहता है कि यीशु का नाम ऊंचा उठाओगे तो हर एक घुटना उसके सामने टेकेगा। तो हर डर को, हर शैतान की आत्मा को यीशु के सामने घुटने टेकना ही है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर का वचन का अधिकार इस्तेमाल करना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बने रहना है कि ताकि आप जो है परमेश्वर के वचन को बोल सकें। तो किस तरह से आप जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है वो जो वचन के द्वारा हमारे जीवन जो विश्वास पैदा हुआ है उसके द्वारा उस वचनों को हमें बोलना है, उसकी घोषणा करना है, उसकी गर्जना करना है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने आते कि हम धन्यवाद दें परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरी संतान हूँ, जब हम अपने मुंह के द्वारा बोलते हैं तो शैतान डर जाता है कि ये जो व्यक्ति है अभी आज मेरा गुलाम नहीं है, मैं उसको दास नहीं बना सकता क्योंकि ये परमेश्वर की संतान है। तो जब आप प्रार्थना में आएंगे परमेश्वर सामने तो अपना मुँह खोल कर जोर से बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैं तेरी संतान हूँ, तूने मेरे जीवन को यीशु के लोगों के द्वारा धोया है और ये वचनों को कबूल करना है। प्रभु तेरा वचन ऐसा है, तूने मेरे लिए विजय की योजना बनाई, तूने मेरे लिए सिद्धता की, तूने जो मेरे लिए ग्रहण करने योग्य योजना बनाई। तो आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचनों को विश्वास के द्वारा बोलना है, उसकी घोषणा करना है, दूसरी प्रार्थना में करना है। तीसरी बात जो है कि अपने मुँह के द्वारा, अपना मुँह खोल कर परमेश्वर के वचनों को कबूल करना है, परमेश्वर के वचनों को कबूल करना है कि अपना मुंह खोल कर, क्योंकि शैतान जो है वो हमारे हृदय के अंदर, मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं जान सकता, वो सब कुछ जानने वाला नहीं है। परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर ज्ञानी है, हमारे अंदर के विचार जानता है, हमारे शब्दों को जानता है, लेकिन शैतान नहीं। शैतान सिर्फ जो हम बोलते हैं, जो हम कृति करते हैं उसको देखकर वो हमारे जीवन में, हम जो डर की बातें करते हैं और हम जो डर की कृति करते हैं उसके द्वारा शैतान हम पर हावी हो जाता है, हमें गुलाम कर देता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मुंह को परमेश्वर के वचन के द्वारा खोलना है, आपके विश्वास के कबूल करना है कि ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। प्रभु का वचन मैं हमेशा कहता हूँ कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे आने वाले संतान के लिए, परमेश्वर ने मेरे लिए पराजय की योजना बनाई नहीं, परमेश्वर ने मैं बीमार रहूँ और बीमारी मर जाओ ऐसी योजना बनाई नहीं। मैं आज कबूल करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए विजय की योजना बनाई, परमेश्वर ने मेरी तंदुरुस्ती की, परमेश्वर ने मेरे लिए समृद्धि की योजना बनाई। तो आपको कबूल करना है वचन के द्वारा। और तीसरी जो आता है कि शैतान का सामना करना है, उस डर का जो आवाज आ रहा है उसके तरफ जाना है, क्योंकि वहां जो है वो झूठा शैतान जो आवाज करता है लेकिन वो सिंह नहीं है, सिंह जो यहूदा का सिंह जो है यीशु मसीह है। तो हमें उसका सामना करना, डर के आवाज जब आप सुनाई देगी, कभी आप बैठे रहेंगे और आवाज आएगी तू बीमार है और तू बीमारी इसमें मर जाने वाला है और तू इस बीमारी की तू छुटकारा नहीं पाने वाला, तेरे जीवन में जो मुश्किल आई है, तेरे परिवार में मुश्किल आई है, शायद आपके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा हो चुका है और आपके आवाज आ रहा है कि आपका फिर से आप एक नहीं हो सकते, आपको हमेशा एक दूसरे से अलग होना है। शायद आपके आपके मन में विचार आएगी, एक आवाज आएगा कि तुम्हारे बच्चे सुनने वाले ने, तुम्हारा बच्चे तुमसे दूर जाएंगे, आपके विरुद्ध में काम करेंगे, ये आवाज शैतान हमारे जीवन आएगी और हम डर जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं प्रभु के वचनों को विश्वास के द्वारा हमें कबूल करना है, आपको बताना चाहता हूं शैतान का सामना करना है। तो आपको इसमें क्या करना है, पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर के वचनों को विश्वास के द्वारा बोलते हैं तो हमें शैतान को क्या करना है, पराजित करना है, उसको हम उसको देखकर हंसना है, हमें देखना है कि किस तरह से शैतान गिर चुका है। शैतान नहीं चाहता कि लोग उसकी मजाक उड़ाए, उसको हंसे,
तो हमें प्रभु के वचनों के द्वारा हमें ऐसा कि प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है शैतान को, शैतान तू गिरा हुआ है, तू पराजित है, यीशु विजयी है, अपने मुंह को खोलकर बोलना है। क्योंकि हर दिन हम अपने जीवन में एक युद्ध को हम सामना कर रहे हैं, हर दिन हमें इस युद्ध को विजय पाना है, हर दिन हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, उसके वचन के विश्वास करने के द्वारा हम उसके ऊपर विजय पा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थ 2:11 में कि शैतान जो होशियार है और ज्ञानी है और वो किस तरह से लोगों को खोज रहा है उसको फंसाने के लिए, इसलिए हमें अपने आप को संभालना है। हम शायद प्रभु के वचनों को कबूल करेंगे, प्रभु के वचनों को अधिकार भी देंगे, लेकिन हमें ये जानना है कि हम विश्वास में खड़े रहना है। ये विश्वास जो है कि विश्वास के द्वारा यीशु के लहू में मैं ढका हूँ, इसलिए हमें हमेशा अपने आप को जांच लेना है। हमारे जीवन कुछ पाप हैं तो हम पापों को कबूल करना है, अब पापों का तौबा करना है और प्रभु को माफ़ी मांगना है, और उसके द्वारा हम शैतान का सामना कर सकते हैं, हम शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं। तो पहली बात जो है कि हम किस तरह से शैतान के ऊपर हंस सकते हैं, क्योंकि प्रभु का जो वचन है उस वचन को देखकर हम परमेश्वर की संतान है। यीशु जो राजाओं का राजा है उस घराने से आते हैं, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र हो चुके हैं और परमेश्वर के परिवार के संतान बन चुके हैं। इसलिए हमें अपना अधिकार, हमें जो अधिकार है वो राज अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, उस अधिकार से हमें विश्वास के द्वारा शैतान का सामना करना है। उस जो आवाज़ आ रहा है उस आवाज़ को हमें उसको दबाना है, उस आवाज को हमें बताना है कि यीशु ने मुझे विजय दिया है, यीशु के नाम से तू चला जा सकता है, हर एक बीमारी यीशु के नाम से, हर मुश्किल यीशु के नाम से, हर एक तनाव जो है टूट जाएगा, भाग जाएगा। इसलिए हमें हंसना है प्रभु के वचन के द्वारा, क्योंकि यीशु ने मुझे अधिकार दिया है। प्रभु यीशु में मेरा जो स्थान है, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, ये मेरा जो स्थान है उस स्थान को हमेशा मुझे याद दिलाना है कि हम भूलना नहीं कि हम परमेश्वर की संतान है। इसके लिए हमें शैतान को डरना है। एक बार कहा जाता है कि परमेश्वर के बड़े संत हो चुके मार्टिन लूथर, जो परमेश्वर के एक अच्छा जन था, वो जानता था कि प्रभु यीशु ने मुझे अधिकार दिया है, मैं पवित्र हो चुका हूँ और मेरा अधिकार जो है शैतान को भगाने का। ऐसे कहा जाता है कि एक रात में मार्टिन लूथर सोए थे और जब सोए थे अचानक उठे तो कुछ वहाँ पे मोमबत्ती भी नहीं थी, वहाँ पे कुछ प्रकाश नहीं था, पूरा एक अंधेरा था। लेकिन उस अंधेरे में जब मार्टिन लूथर नींद में से उठे, उसने देखा शैतान वहाँ पे बैठा है। आपके जीवन में क्या होगा जब आपको एक रात आप सोए हैं, अचानक आपने देखा कि शैतान आपके सामने खड़ा है। एक बार मैंने मेरे दोस्त को पूछा कि तेरे जीवन में ऐसा अनुभव आएगा कि तू रात में सोया और शायद जब तू आँख खुली तो शैतान तेरे सामने, तो क्या करेगा? तो उसने कहा कि मैं तुरंत अपने पासवान को फ़ोन करूँगा कि मेरे लिए प्रार्थना करो। लेकिन ये जो है अजीब बात है, आज प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। तो कहता है यहाँ पे कि मार्टिन लूथर ने जब उनकी आँखें खुली तो उन्हें उस शैतान को देखा और वो बोला कि तू है क्या, और फिर वो सो गए, अपना मुँह उस तरफ करके सो गए। तो उन्हें मालूम कि शैतान जो है पराजित है, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके जीवन में प्रभु का वचन दे रहा हूँ ताकि आप परमेश्वर वचन के द्वारा शैतान को अपनी जगह दिखानी है, क्योंकि आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा जो हमने जो सीखा है उस तत्वों को हमें अपने जीवन में अनुभव लेना है, उसका इस्तेमाल करना है। सिर्फ हम लोग पढ़ते रहेंगे और उसका ध्यान देते रहे और मन में अपना रखेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। हमें जो है उस अधिकार को हमारे जीवन में इस्तेमाल करना है। जैसे प्रभु यीशु ने हमें उस बंधन से छुटकारा दिया है, उस गुलामी से हमें छुटकारा दिया है और हमें अधिकार दिया है। एक कहानी हमें सुनी है कि जैसे एक व्यक्ति जो था उसने एक जंगल से एक तोते को लेके आया और उस तोते को उसने रबर से एक जगह पे बांध दिया था और कुछ रबर, वो जैसे वो पंछी उड़ता था तो कुछ समय रबर के वजह से वो उड़ सकता था और फिर से वो खींचा जाता था। तो वैसे हर उसका जो रबर जो था उसको बांधा होता और बच्चा से वो बढ़ने लगा। तो वो जो तोता है कुछ दिन एक बड़ा तोता बन गया, लेकिन उस हमारे शहर समय वो उड़ता था और उस रबर के वजह से फिर से अपने जगह पे जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जो मालिक जो था उसने उस रबर को तोड़ दिया और उसको खुला छोड़ दिया। लेकिन जो तोता जो था अपने मन में उसने हमेशा विचार किया था कि मैं बंधक हूँ, मैं दास हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन वो भूल चुका था कि उसको उसके मालिक ने उसको छुटकारा दिया है, उसको खोल दिया, उसका जो बंधन है टूट चुका है।
लेकिन वो उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में है कि मैं फिर भी बंधा हुआ हूँ। आज बहुत सारे मसीह लोग जो है वो भूल चुके कि प्रभु यीशु ने उनको छुटकारा दिया है, प्रभु यीशु ने उनको सारे बंधन को छुटकारा देकर उनको मुक्त किया है, उनको बंध मुक्त किया है। तो आपको ये अधिकार इस्तेमाल करना है कि यीशु तूने मुझे अधिकार दिया है शैतान के ऊपर, बीमारी के ऊपर, सारे मुश्किलों के ऊपर, सारे तनाव के ऊपर। जो भी शैतान हमारे मुश्किल लेके आते हैं उसको हम सामना कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें शैतान के बंधन से हमें छुटकारा दिया है। आपको देखना है कि वो जो बंधन टूट चुका है, यीशु के लहू के द्वारा जो है आप पूरी तरह से छुटकारा पाए हुए हैं, और आपके जीवन में जो सच्चाई है कि आप शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि जो तोता जो था वो तोता छुटकारा पाया हुआ था, लेकिन जो मालिक वहाँ पे नहीं था, लेकिन वो चोर ने उसको आया और उसको पकड़ा और मारा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में कि मैं आया हूँ जीवन देने के लिए और बहुत अधिक जीवन देने के लिए, लेकिन शैतान चोर आता है वो हमसे चोरी करने के लिए, हमारा नाश करने के लिए। मैं प्रार्थना करूँगा प्रभु यीशु का वचन आपको इस्तेमाल करना है, बोलना है, उसकी घोषणा करना है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, आप अपने पापों का तौबा करें। प्रभु यीशु का लहू हमें शुद्ध और पवित्र करता है। आप बंध मुक्त हो चुके हैं, आप स्वतंत्र हो, आपको आज से आज़ादी का जीवन जीना है कि मैं यीशु की संतान हूँ, मैं राजघराने से हूँ, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है। मैं जब शैतान का सामना करूँगा शैतान भाग जाएगा। आपके लिए मैं प्रार्थना हूँ, सारी बीमारी चली जाएगी, शैतान के बंधन टूट जाएंगे, आपको उस स्वतंत्रता में आगे बढ़ना है। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए, धन्यवाद देते आपने जो अधिकार दिया, अधिकार के लिए धन्यवाद देते। आपने हमें शैतान के ऊपर, इसके चालों के ऊपर, सारे बंधन के ऊपर, सारे मुश्किलों के ऊपर, सारे बीमारियों के ऊपर विजय दिया है, और हर एक व्यक्ति को सामना करने के लिए सहायता कर। आपने दिया अधिकार से सारी बीमारियों को, सारी मुश्किलों को यीशु मसीहा के नाम से हम कुचल देते, चंगाई कबूल करते, हर एक के जीवन जीवन कबूल करते, इसी समय शांति और आनंद चंगाई कबूल करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हम विश्वास करते हैं कि आप छुटकारा पाए हैं, और आपने जो वचन सुना है उसका इस्तेमाल करें, और आप एक विजय से दूसरे विजय की ओर जाएंगे। हमें खत लिखें, जो अनुभव आया है उसके द्वारा फ़ोन के द्वारा संपर्क करें, ईमेल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह की शांति हमेशा आपके साथ, हमेशा हमेशा बने रहें, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का ये शांति समय आप सबके लिए आशीष से भरा हुआ हो। हमें संपर्क करने के लिए इस पते पर लिखें। हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टार व्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर 610, सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 40071। हमारा पता है क्रिश्चियन फेथ सेंटर, असेंबली ऑफ गॉड चर्च, स्टार व्यू अपार्टमेंट, ग्राउंड फ्लोर 610, सायन ट्रॉम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई 40071। हमारा टेलीफोन नंबर है 8082428488932321742। आप हमें ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mantode@gmail.com।